शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभू अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभू अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। सप्तर्षियों का अनुरोध स्वीकार करके हिमालय राज अपने कुलगुरु महर्षि गर्ग को अपने भावी जामाता शिवशंकर के पास निमंत्रण हेतु भेजते हैं। उधर तारकासुर को जब शिव पार्वती विवाह की तैयारियों का पता चलता है तो वो इस विवाह में बाधा डालने के लिए हिमालय तथा कैलाश पर आक्रमण का निश्चय करता है। उसी समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट होते हैं तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करके तारकासुर को इस सर्वनाशी कृत्य से रोक देते हैं। अंत में लंबे समय से प्रतीक्षित शिव पार्वती विवाह का शुभ मुहूर्त आ ही जाता है। शिव शंकर दूल्हा बनकर पार्वती को ब्याहने के लिए बारात लेकर हिमालय प्रासाद पहुंचते हैं। वर राजा शिव का अनुपम रूप देखकर हिमालय प्रासाद में पधारी नारियां हर्ष से गदगद हो जाती हैं। परंतु महारानी मैना के मन से शिव के प्रति शंका अभी तक निर्मूल नहीं हुई थी। इसी शंका को झकझोरने के लिए वरराजा रूपी शिव महारानी मैना को भयानक भूतनाथ रूप की झलक दिखाकर भयभीत तथा भ्रमित कर देते हैं। तब ही ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तथा देवगणों सहित वहां पहुंचते हैं तथा महारानी मैना को समझाते हैं कि शिव का जो रूप उन्होंने देखा था वो उनके मन की शंकाओं का ही प्रतिबिंब था। जब सबके आग्रह पर महारानी मैना उत्सुक मन से वर राजा शिव के पास आरती लेकर स्वागत हेतु पहुंचती हैं तो उनका विमुग्धकारी रूप देखकर उनका हृदय हर्ष से खिल उठता है। मंगलम वृषभध्वजा मंगलायतनो शिवः ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। माते, पतिग्रस्तामि जलम समर्पयामि। जाया अग्रे प्रजया सह ओम कन्या पतिलोकं यतीयमपदिष्टामयश्च कन्या उत त्वया वयं धारा उदन्या इवाति गाहे महिद्विषा। सात्वमस्मोऽहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीं त्वं तावेव विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जररष्टयः संप्रियो रोचिष्णु सुमनस्य मानो। भगवान भोलेनाथ की जय, शिव शक्ति शिवा की जय। सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतनाम्। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसाम्। भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोले शंकर की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोले शंकर की जय। शिव पार्वती विवाह संपन्न हो गया, हम कुछ नहीं कर सके। स्वर्ग पर शासन करने वाले महाशक्तिशाली तारकासुर की शक्ति धरी की धरी रह गई। अब हमारा काल उत्पन्न होने वाला है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हम विवश है असुरराज, शिव पार्वती के विरुद्ध हम कुछ नहीं कर सकते। चुप रहो। आसुर होकर कहते हो कुछ नहीं कर सकते, ये कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? हम कुछ नहीं कर सके, केवल दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के कारण। परंतु अब ऐसा लगता है ये दैत्य गुरु हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। हाँ। आप सत्य कह रहे हैं दैत्यराज, गुरु शुक्राचार्य का आश्रय छोड़कर अब हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, हम यही सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम क्रोध की ज्वाला में चले जा रहे हैं। मयासूर, शीघ्र बताओ, अपने काल को उत्पन्न होने से रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। असुरराज, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चारों ओर असुरों का आतंक फैल जाए, संपूर्ण सृष्टि हाहाकार कर उठे। इससे शिव और पार्वती के मिलाप में बाधा अवश्य उत्पन्न होगी। मयासुर, हमने अट्टहास क्यों किया? हाँ, क्षमा चाहता हूं असुरराज, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। हम तुम्हारे परामर्श से सहमत है। हमें ऐसा आतंक फैलाना होगा कि देव अपना देवत्व तथा मानव अपनी मानवता भूल जाए, चारों ओर असुरों का प्रभाव फैल जाए। सभी हमारे भय से विवश होकर आसुरी वृत्ति अपना ले। हम इसके लिए प्रस्तुत हैं दैत्य स्वामी, आज्ञा कीजिए, हमें क्या करना होगा। असुर वीरो, एक बात भली भांति समझ लो, हम मृत्यु से निर्भय हो चुके हैं। हम देवता या मनुष्य की भांति कायर नहीं जो मृत्यु से डरकर इधर उधर भागते फिरे। कदापि नहीं असुरराज, आपके भय से तीनों लोग थर थर कांपते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं असुरराज। हाँ, हम चाहते तो शिव से विवाह की कामना करने वाली हिमालय पुत्री पार्वती का हरण करके उससे शिव का मिलन नहीं होने देते। हम चाहते तो शिव पार्वती विवाह में ऐसा भयानक विघ्न उत्पन्न करते कि विवाह असंभव हो जाता। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने हमें बार बार रोका। आप सत्य कह रहे हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारे इस कार्य में बाधक बने। उन्होंने हमें विवश कर दिया और हम कुछ न कर सके। परंतु अब हम विवश नहीं है। हाँ, अब जो हम चाहेंगे वही करेंगे। हाँ, अवश्य अवश्य असुरराज। बोलो परम पराक्रमी तारकासुर की। यदि मेरा काल बनकर शिव पुत्र उत्पन्न होता है तो होता रहे। अब हमें मृत्यु का तनिक भी भय नहीं। मृत्यु से पहले संसार में तारकासुर असुरों का साम्राज्य स्थापित करेगा, ताकि असुर संस्कृति के रक्षक तारकासुर का नाम असुर जाति में अमर हो जाए। असुरों के गौरव की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं असुरराज। हाँ, समस्त असुरों को हमारा आदेश है कि वो स्वर्ग तथा पृथ्वी पर वायु के समान फैल जाए। देवताओं तथा मनुष्य को असुरों का दास बनने पर विवश करें। हाँ, और जो भी असुरों की अधीनता स्वीकार न करे उसे समाप्त कर दो। सके आपके आदेश का पालन होगा। ऐसा ही होगा असुरराज। हम ऐसा ही करेंगे। दैत्यराज तारकासुर की जय। असुरराज तारकासुर की जय। पालक भगवान विष्णु की जय हो। पधारिए मुनिवर, पधारिए देवराज। प्रणाम माते। प्रभु, जब जब विपदा आती है आपकी शरण में आने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं सूझता। तारकासुर का अत्याचार असह्य हो गया है। देवर्षि, अधर्म, अन्याय तथा अत्याचार के दमन के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूं, किंतु तारकासुर के संदर्भ में मैं विवश हूं मुनिवर। आप तो सृष्टि के पालन करता है प्रभु, आपको विवशता कैसे? प्रभु, सृष्टि कल्याण तथा देवताओं की रक्षा का उपाय आपके अतिरिक्त कौन कर सकता है? देवर्षि, शिव पार्वती विवाह के पश्चात अपनी मृत्यु समीप आते देखकर भी तारकासुर के अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई। अत्याचारों में कमी? नारायण नारायण माते, शिव पार्वती विवाह के पश्चात तो वो और भी भयंकर हो गया है। पृथ्वीवासियों पर उसके अत्याचारों की कोई सीमा ना रही। चारों ओर त्राही त्राही हो रही है। श्री हरि, माता शक्ति के पार्वती के रूप में अवतरित होने से लेकर अब तक क्या क्या बाधाएं नहीं आई। शिव पार्वती विवाह के पश्चात हमने सोचा था शिव पुत्र उत्पन्न होकर दुष्ट तारकासुर का संहार करेगा प्रभु, परंतु माते अब ऐसा प्रतीत होता है कि शिव पुत्र उत्पन्न होने से पहले ही आसुरी शक्तियों का तीनों लोक पर आधिपत्य हो जाएगा। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार तारकासुर के अंत का एकमात्र विकल्प है शिव पुत्र का उत्पन्न होना। ये तो महादेव भी भली भांति जानते हैं, तो क्यों ना आप सब उनकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाएं। भगवान शिव के दर्शन करने का साहस हम देवताओं में नहीं है माता। भगवान शिव तथा माता पार्वती समाधि स्थल से दूर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं भगवान। भगवान विष्णु को ये सब ज्ञात है। अब तो हमें श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि शिव पुत्र के शीघ्र उत्पन्न होने का कोई उपाय बताएं। समय से पूर्व कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता मुनिवर, ये तो आप भली भांति जानते हैं। भगवान शिव की लीलाएं तो अनंत हैं। किस उद्देश्य से किस घटना को जन्म देंगे ये तो हमारे लिए भी रहस्य की बात है। देवताओं के संकट के निवारण के लिए इस रहस्य को सुलझाने का कार्य केवल आप ही कर सकते हैं श्रीहरि। नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रभु आप तो करुणा निधान है, भक्तवत्सल है। देवराज तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके शिव दर्शन पाने के लिए इनका नेतृत्व कीजिए। हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति से देवताओं की प्रार्थना को बल मिलेगा। जैसी आपकी इच्छा देवी। नारायण नारायण, धन्य हो प्रभु। बोलो भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय, भगवान विष्णु की जय। कभी कभी मन इतना चंचल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें किसी के प्रति अनुराग की कामना जागती है स्वामी। अर्थात मन का उद्वेग सदा किसी को पाने के लिए ही होता है। निसंदेह स्वामी, किसी की प्राप्ति तो किसी का समर्पण। ब्रह्मदेव ने स्त्री पुरुष का सृजन संभवतः इसी उद्देश्य से किया है। हम स्वयं चकित हैं। आकर्षण के इस वेग से हम स्वयं चकित हैं देवी। तुम्हें अपने आप में लीन कर लेने का आवेग तीव्र से तीव्रतर होता जा रहा है। देवादिदेव महादेव, हमारे कष्ट का अंत कीजिए। माता शक्ति हमारी पुकार सुनिए। महादेव देवताओं का उद्धार कीजिए। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रिय, कैलाश का यह शांत वातावरण हमारी अभिन्नता का प्रतीक है। आपकी प्रीत का संकेत पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है स्वामी। शुभे, हमारे तुम्हारे बीच का यह अंतर मेरी उद्विग्नता और भी बढ़ा रहा है स्वामी। अचानक शिव के शरीर से अग्नि के समान जाज्वल्यमान ओज निस्सृत होता है। अग्निदेव इस ओज को एक कबूतर का रूप लेकर ग्रहण करते हैं तथा उसे नदी जल में प्रवाहित कर देते हैं। के रोने का स्वर कहाँ से आ रहा है? कहाँ है बालक? वो सरकंडों में। वहाँ बालक रो रहा है। चलो चलिए देखें। इसे उठा लो। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यहाँ पर इसे जल में किसने प्रवाहित किया? कितना सुंदर बालक है ये, कितना तेजस्वी है। बालक है किसका? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक हमारे लिए आया है। क्यों बालक, तुम हमारे लिए ही आए हो ना? हाँ हाँ, ये हमारा बालक है। चलो हम इसे अपने साथ नक्षत्र लोक ले चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। नारायण नारायण। शिव तेज से शिव पुत्र नदी जल में प्रकट हुआ तथा कृतिकाएं उसे अपने साथ नक्षत्र लोक में ले गई। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है आपकी लीला। नारायण नारायण। देवी पृथ्वी मेरी रक्षा कीजिए। सुनिए देवी पृथ्वी। देवर्षि, देवर्षि प्रणाम। सुखी बाबा। देवर्षि देख रहे हैं तारकासुर के दैत्यों ने मुझ पर कितने अत्याचार ढाए हैं। इन अत्याचारों का अंत नहीं हो रहा है। मेरी वेदना असह्य होती जा रही है देवर्षि। धैर्य धारण करो देवी पृथ्वी। भगवान भोलेनाथ तुम्हारी पीड़ा से अनभिज्ञ नहीं है। जब शिवशंकर जानते हैं कि शिव पुत्र के हाथों तारकासुर का अंत होगा, तो भगवान शिव इन अत्याचारों को चुपचाप क्यों देख रहे हैं? तारकासुर का संहारक शिव पुत्र कब उत्पन्न होगा? कब भोलेनाथ मेरी पुकार सुनेंगे? हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है देवी पृथ्वी। ये आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? यदि भोलेनाथ ने मेरी पुकार सुन ली होती तो ये विनाश लीला थम नहीं जाती। नारायण नारायण। जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी पापी का विनाश होता है देवी। दुष्ट तारकासुर का संहार करने के लिए शिव पुत्र प्रकट हो चुका है। क्या कहा देवर्षि? प्रकट हो चुका है? कहाँ है वो? नारायण नारायण। शिव की लीला निराली है। शिव पुत्र का जन्म ऐसी परिस्थितियों में हुआ है जिसका किसी को अनुमान नहीं। मैं समझी नहीं देवर्षि। हर हर महादेव। शिव पुत्र सरकंडों के बीच प्रकट हुआ। नदी में स्नान करती कृतिकाओं ने उसे पाया। अपना पुत्र मानकर वो उसे नक्षत्र लोक ले गई। भगवान विष्णु की कृपा से ये लीला मैंने प्रत्यक्ष देखी है। देवी, ये शुभ समाचार देकर आपने मेरी सारी पीड़ा हर ली। देवर्षि, तारकासुर के अंत होने की प्रतीक्षा में अब मैं चुपचाप सारी पीड़ा सह लूंगी। आप धन्य हैं देवर्षि, आप धन्य हैं। असुरराज, तारकासुर की जय हो। हाँ। स्वामी, हमारा गुप्तचर एक महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया है। महत्वपूर्ण? क्या है वो महत्वपूर्ण समाचार? हाँ, शिव पुत्र का जन्म हो चुका है दैत्यराज। हाँ, शिव पुत्र? कहाँ हुआ है शिव पुत्र का जन्म? हाँ, उसका जन्म कहाँ हुआ ये तो मैं नहीं जानता असुरराज, पर उसका अच्छी तरह पालन पोषण हो रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, कहाँ हो रहा है शिव पुत्र का पालन पोषण? हाँ, कहाँ हो रहा है? नक्षत्र लोक में महाराज। हाँ, नक्षत्र लोक? हाँ असुरराज, नक्षत्र लोक में कृतिकाएं शिव पुत्र का पालन पोषण कर रही है। हाँ। देवर्षि नारद पृथ्वी को बता रहे थे कि यह शिव पुत्र है, यही देवताओं का उद्धार करेगा। हाँ। उस शिव पुत्र को बड़ा होने से पहले समाप्त कर देना होगा दैत्यराज। हाँ, अवश्य। अब हम यही करेंगे। हम ब्रह्मा के वरदान को मिथ्या सिद्ध कर देंगे। हम इसी समय नक्षत्र लोक जाकर शिव पुत्र को समाप्त कर देंगे। हाँ। बोलो असुर नायक तारकासुर की जय। असुर नायक तारकासुर की जय। अब तो मुझे कृतिका के समान चलना चाहिए। हाँ। हमारे बालक की रक्षा करो। देखो हमारा लाल आ गया। अरे ये अपने आप कैसे आ गया? इसे कहीं कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, इसे कुछ भी नहीं हुआ। आश्चर्य है, ये तो चमत्कार है। अवश्य ही, भगवान विष्णु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हे चक्रधारी कृपा सिंधु, तुमने हमारे बालक को बचाकर हमें बचा लिया है। कृतिका, ये दिव्य बालक है, यही जगत का कल्याण करेगा। तारकासुर से इसकी रक्षा के लिए इसे सत्य लोक देवी गंगा की शरण में ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव रूपरूपाय सर्वविष्णवे नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैव जय हो। त्राहि मां देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी गंगा, हमारी रक्षा कीजिए देवी गंगा। क्या बात है देवियों, आप सब इतनी भयभीत क्यों हैं? हमारे बालक की रक्षा कीजिए देवी। इसकी रक्षा हेतु हम आपकी शरण में आए हैं देवी गंगा। आपके अतिरिक्त त्रिलोक में इसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता देवी। इस बालक के प्राणों की रक्षा? क्या संकट है इसके प्राणों पर? देवी गंगा, दुष्ट तारकासुर इसके प्राण लेना चाहता है। उसने हमसे छीनकर इसे सागर में डाल दिया था। अत्याचारी तारकासुर की इस अबोध बालक से कैसी शत्रुता? वो दुष्ट इसके प्राण क्यों लेना चाहता है? ये हमें ज्ञात नहीं है देवी, परंतु पालनकर्ता भगवान विष्णु ने हमारी पुकार सुनकर इस बालक की रक्षा की। उन्होंने हमें आपकी शरण में लाने का आदेश दिया है, क्योंकि आप ही इसकी रक्षा कर सकती हैं। हमारे आराध्य भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा करके हमारे पास लाने का आदेश दिया। अवश्य ही ये कोई दिव्य बालक है। आप सब उस दुष्ट तारकासुर से निर्भय हो जाइए। मेरे होते हुए वो सत्य लोक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। धन्य हो देवी गंगा, धन्य हो। अब हम सब भयमुक्त हुए देवी। किंतु ये बालक है कौन, किसका है? ये हमारा है। ये बालक हम सबका है देवी। आप सबका है, किंतु इसकी जननी कौन है? पुत्र तो किसी एक का ही होगा ना? इसकी जनेता कौन है ये तो हम नहीं जानते। नदी में स्नान करते समय हमें ये बालक सरकंडों में मिला था देवी। हम सब ने इसे मातृत्व का अमृत पान करवाया है। ये हम सब का पुत्र है देवी। तुम सब ने अपना परिचय नहीं दिया। तुम सब हो कौन? हम सब कृतिका, नक्षत्र में रहने वाली कृतिकाएं हैं। कृतिकाएं? हाँ वही, नक्षत्र लोक से ही दुष्ट तारकासुर ने इसका अपहरण किया था। तात्पर्य ये हुआ कि तुम सबको इसके माता पिता का भी ज्ञान नहीं है, है ना? हाँ हाँ गंगा माता, ये सच है। पालनकर्ता भगवान विष्णु ने इसके प्राणों की रक्षा की है। अब वही इसके पालक पिता हैं। आज से तुम सब की भांति मैं भी इसकी माता हूँ। इसका नाम क्या है? अभी तक हमने इसका कोई नाम नहीं रखा है देवी गंगा। तो मैं इसका नामकरण करती हूँ। यदि आप इसका नामकरण करेंगी तो हमें अपार हर्ष होगा देवी गंगा। सर्वप्रथम तुम कृतिकाओं ने इसे पाया है तथा मातृत्व प्रदान किया है। मैं इसका नाम रखती हूँ कार्तिकेय। कार्तिकेय? ये जगत में कार्तिकेय के नाम से प्रख्यात होगा। हम धन्य हुए देवी, हम सब धन्य हुए देवी। तुम सब कार्तिकेय को अपना स्नेह तथा ममता का अमृत प्रदान करोगी। मैं कार्तिकेय को हर प्रकार का विशिष्ट ज्ञान प्रदान करूंगी, इसे अद्भुत तथा असाधारण बनाऊंगी। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमाशंकर। महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान।